नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। कल यानी 17 अक्टूबर से बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने लगा है। कल 11वीं और 12वीं के करीब 15 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है। साथ ही अच्छी खबर ये भी है कि दीपावली से पहले उन शिक्षकों को अपना नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। ये नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को नीतीश कुमार खुद सफल शिक्षकों को देंगे। आपको बता दें, 17 अक्टूबर को 11वीं और 12वीं के हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, पर्शियन, पाली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 11वीं और 12वीं के करीब 15 विषयों का रिजल्ट जारी हो गया है और सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी होने के बाद 9वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद पहली से लेकर 5वीं तक का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 1 से 2 दिनों में सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट अपलोड किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के अनुसार 2 नवंबर को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने के लिए समारोह का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में सीएम नीतीश कुमार सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी पत्र में पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र के संबंध में निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी के द्वारा सफल शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। सभी जिलों द्वारा काउंसलिंग का काम 18 से 24 अक्टूबर तक किया जाएगा। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को मुख्यमंत्री द्वारा गांधी मैदान पटना में समारोह पूर्वक वितरण किया जाएगा। बीपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अभ्यर्थियों को काफ़ी लंबे समय से था और अब जाकर उसका रिजल्ट जारी होना शुरू हो गया है। कल यानी 17 अक्टूबर को 11वीं और 12वीं के करीब 15 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है और जब सारे विषयों का रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद 9वीं, 10वीं और फिर 1 से लेकर 5वीं तक का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा और दीपावली से पहले शिक्षकों के हाथ में उनका नियुक्ति पत्र होगा। गांधी मैदान में समारोह का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं सफल अभ्यर्थियों को उनका नियुक्ति पत्र उन्हें देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।